तेज चढ़ जाए तो वो कभी कभी इंसान का दिमाग तक खराब कर देता है। इसका जीता जाता उदाहरण दिया है एक सरफिरे आशिक ने, जिसने दोस्ती को प्यार में बदलने के लिए युवती के साथ छेड़खानी कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने इस सरफिरे रोमियो को हिरासत में ले लिया है। दोस्ती को प्यार में बदलने की ख्वाहिश ने एक युवक को हिंसक रोमियो में तब्दील कर दिया। रोड रोमियो जो दोस्त बनकर उसे प्रेम प्रसंग में बदलने की कोशिश कर रहा था, उस समय हिंसक हो गया जब छात्रा ने उससे भावनाओं का इजहार नहीं किया। उसकी मां ने समय रहते पुलिस को सूचना दी। घटना राणा प्रताप नगर थाना क्षेत्र की है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम संजू गिरिजा शंकर तिवारी है। आरोपी और युवती दोस्त थे। संजू में प्यार का भूत सवार हो गया और उसने उसे प्रपोज कर दिया। युवती ने इस पर मना कर दिया तो इस सरफिरे ने सोमवार की रात करीब 9:30 बजे उसके घर के सामने जाकर उससे अश्लील बातें की और जान से मारने की धमकी दे डाली। यह बात पीड़िता की माँ को पता चली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन कर इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बात यही खत्म नहीं हुई तो इन मजनू साहब ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में फोन कर फिल्मी अंदाज में बात की कि मैं इस लड़की को मारने आया हूँ, बचा सको तो बचा लो। नियंत्रण कक्ष द्वारा दी गई इस जानकारी से प्रताप नगर पुलिस भी चौंक गई। इसके बाद जैसे ही युवती की मां का फोन पुलिस को आया, वैसे ही तत्काल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर इस रोमियो को हिरासत में ले लिया। आमच्याकडे एक तक्रार आली, त्याच्यामध्ये मॉलेस्टेशन आणि क्रिमिनल ट्रेसपास आणि क्रिमिनल इंटिमिडेशन वगैरे वगैरेची तक्रार होती आणि त्यातला जो मजकूर होता फिरेदीच्या म्हणण्यानुसार तो थोडासा सेन्सिटिव टाईप होता की मैं फला जगह पे खड़ा हूँ और मैं एक लड़की का गेम बजाने वाला हूँ, एक लड़की की लाश तुमको मिल जाएंगी वगैरह वगैरह असं काहीतरी तो बोलत होता। कदाचित हे वन साइडेड असं काहीतरी असू शकतं, इन्फॅच्युएशन वगैरे। त्यानंतर तात्काळ आमचे बजाजनगरचे इन्स्पेक्टर श्री काळे साहेब आणि प्रतापनगरचे PI श्री काळे साहेब, API कदम साहेब, PSI दानिश आणि त्यांची टीम लगेच तिथं घटनास्थळावर गेली, आरोपीला अटक केलं। त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि त्याला अटक करण्यात आलेली आहे। त्याच्या इंट्रोगेशनमध्ये त्याने अजून बाकीच्या साथीदारांसोबत अजून काही गुन्हे केल्याचं लक्षात आलेलं आहे। त्यांच्यापैकी काही लोकांचं क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स पण आहेत। त्यांच्याकडून काही प्रॉपर्टी रिकवर करून तपास आमचे पोलीस आयुक्त आदरणीय श्री अमितेश कुमार साहेब आणि आमचे DCP Zone 1 श्री जैन साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली PI काळे साहेब आणि त्यांची टीम करून राहिली। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।